तो कैसे आप सभी लोग, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मोड कैसे कर सकते हैं GTA 5। तो सबसे पहले आपने जाना है, आज हम करने लगे हैं कावासाकी निंजा H2R। तो आज ये सारी चीज़ें जो मैंने नीचे डाउनलोड की हैं, ये आपको डाउनलोड करनी है। आज आपको सारा तरीका बताऊँगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम सबसे पहले अपने GTA 5, ये है, इसको हम इधर आएगा ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है, ओके, इधर आएगा। फिर ना आपने एक फोल्डर बनाना है मोड्स के नाम से, देख लो मोड्स, MODS मोड्स, ठीक है। फिर ये इतना लेके ना, ये A से लेकर W तक, ज़रूरत नहीं है A से लेकर W तक, वैसे आप कर लेना अगर स्पेस है, W तक आपने करके कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जो अपडेट वाला आपको फोल्डर नज़र आ रहा होगा, एक सेकंड, डेट, ये हाँ, एक सेकंड, X64 अपडेट, एक सेकंड मैं अपडेट ढूंढ के आपसे ज़रा मिलता हूँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो यार ये तो कुछ ज़्यादा देर लगाएगी, तब तक मैं आपको समझा ही देता हूँ। और एक और मिलेगा आपको रिलीज के नाम से, ठीक है, मैं इसको भी कॉपी कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो है ना, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, और नीचे कॉपी होता रहेगा। हम खोलेंगे अपना ओपन IP, ओके, ओपन IP अभी हम खोलते हैं अपना। विंडोज़ स्टार्ट होगा, लोकेशन वगैरह मांगेगा, पहली दफ़ा आप करेंगे ना लोकेशन मांगेगा। ये एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हर किसी का ना, और सिवाय ओपन IP के, तो हर किसी का ऐसे ही बना होगा, ठीक है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने, आपको ले जाएगा, तो आपने ना फिर उधर से ना इंस्टॉल करते हैं। ये देखें कावासाकी निंजा, तो अभी हम क्या करते हैं, ओपन IV हमारा ओपन है यार, ये अपडेट वाला जल्दी हो जाए ना, हम अंदर कोई काम तरक बड़क नहीं कर सकते, ये बस थोड़ा सा रह गया। अब आपको बता देता हूँ, हम जाएंगे सबसे पहले मोड्स वाला, तो आपने बना लिया होगा मेरे ख्याल से, तो अभी तक अपडेट वाला आपको बता दिया। आपने ना एक और बनाना स्क्रिप्ट्स के नाम से, स्क्रिप्ट्स, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ना ये दोनों, ये नेटिव UI दिख रहा है आपको, इसको आपने डाल देना, ठीक है, नेटिव UI को। फिर स्क्रिप्ट हुक वी जो है ना, इसके अंदर से ये नहीं, अभी नहीं करना, ये बंद कर लेते हैं इसे, अच्छा तो एक ये देखें, हमारे पीछे ही था यार, नया ही खोल लेते हैं, इसमें दिमाग खाना है, ये देखें, ये दो आपने ये नहीं करना, इसको आप डिलीट करें या जो मर्जी करें, ठीक है, ये दरमियान वाला, ठीक है, इसको नहीं करना, काट देना आपने, इसको आपने ना स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में नहीं करना, इसको आपने करना है इधर ना इसके मेन डायरेक्टरी में, ठीक है, इधर कॉपी कर देना, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई। कॉपी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि क्योंकि मैंने काट लिया हुआ पहले, और ये सारी आपने उठा के ना उधर फेंक देनी है, ठीक है। और ये जो रिलीज़, ये तो बता दिया आपको, अब मैं मेन्यू का बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये उठा के मेन डायरेक्टरी में, और ये उठा के मेन डायरेक्टरी में, ठीक है, और हमारा सारा काम हो गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, तो अभी अपडेट वाला हो चुका है हमारा, अब मैं बताऊँ क्या करूँगा, ये रियल अपडेट वाला है ना,
इधर जाके मैं ये सारा डिलीट कर दूंगा, इजी मेथड, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पहले ना मैंने मोड्स के अंदर रखा हुआ है। तो अब क्या करना है आपने, अब जाना है अपने, इसको बंद करते हैं, इसको खोलना है, मोड्स, अपडेट, अपडेट ऑटो एफ एफ नहीं, अपडेट आगे डीएलसी पैक, डीएलसी पैक में जाके अपने इधर का जो है ये हमने कावासाकी वाला खोला है, अपडेट, अपडेट ऑटो एफ एफ डीएलसी पैक वो ही है, ठीक है। आगे ये वाली फाइल होगी, इसको आपने ऐसे ड्रैगन ड्रॉप करना है इजीली। ओहो शिट, आपने ना ऊपर वाला सेव रखना है, ठीक है। एक सेकंड, ये मैंने फेंका भी है या नहीं, पहले नहीं गया था, देख लें। और आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये देखें इधर जा रहा है आपने, ये जो बना है इधर आपने देखना है इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। इंस्टॉल होगा तो आपने करना है फिर। तो ये हो चुका है, अब जाना हमने अपडेट ऑटो एफ एफ कॉमन डाटा, इधर जाके आपने लिखाना है डीएलसी, आगे आ जाएगा, ये एंटर करना है। और आपने रीडमी जो लिखा है ना, रीडमी, इसको जाना है आपने। ये एक आपको मैं इजीली समझाता हूँ, आइटम से लेके आइटम जो जो होगी ना, ये देखें यहाँ से ये एरो और ये वो एरो बना होगा ना, वो आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपने इधर करके आपने आर्ट प्लस एंटर, ओह ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या था यार, भूल गया मैं भी। एंड हाँ हाँ आपने ना एंटर दबाना है इजीली, ना एंटर दबाना है आपने, एंटर दबा के आपने क्या करना है, ओहो पेस्ट, इसको मैं आगे आगे कर लेता हूँ, आगे आगे आगे, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। और अभी आपको अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, ऐसी कुछ बाइक है हमारी कावासाकी निंजा H2R, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन की गेम की ओर लेके चलता हूँ, अभी मैं लेके चलता हूँ एक मिनट, ठीक है। तो गाइज हम आ चुके हैं अभी स्क्रीन की ओर, अभी आपने दबाना है F8 बटन, जैसे ही आप दबाएंगे ये आ जाएगा, व्हीकल, व्हीकल स्पॉनर, मोटरसाइकिल, ये आगे निंजा H2, ये देखो, हाय हाय हाय, चेक करो आप, चेक करो हेलमेट पहना है, फुल राइडर वाली फीलिंग, चेक करो, ओहो व्हाट द फक, फक, उसने भी क्या फक। चलो इसको अभी मैं आपको ना इधर खड़ी करके ना आराम स्क्रीन से दिखाता हूँ, इसका कलर चेंज करवाते हैं यार, इधर जाए डैनियो कस्टम, ये क्या रिमूव कर दिया मैंने, अच्छा अच्छा ये रिमूव हो जाता है इससे, ऐसे ही अच्छा लग, नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है। इधर से हम कुछ मॉडिफाइज भी कर सकते हैं, अभी क्या मॉडिफाई हुआ, हाँ हाँ चेंज चेंज हो गया, ये है एक, एक ये है, एक ये है, मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा, हाँ 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 ये देखो, अब है निंजा H2, अब है पहले ना क्लासिक था, अब है निंजा H2 रूफ, ये देखो अब मिरर, अब मिरर टाइप, ये देखो अब चेक करो, यार बहुत अच्छी बाइक है, ओह मैन,
चलो यार मैं तो चलाऊंगा आराम से कौन से। अगर आप ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो और चाहते हैं तो मुझे बता दें, बनाऊंगा मैं आपके लिए। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसी लगी आपकी ट्यूटोरियल वीडियो? अल्लाह हाफिज़।